तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जिसके पास यूनिट ही नहीं है, ठीक है, यूनिट लेस है, जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन आई होप पढ़े होगे। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। अगर एक रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, कुछ फोर्स लगा के अगर इसकी लेंथ बढ़ा दोगे, कुछ फोर्स लगा के इसकी लेंथ बढ़ा दोगे, तो ये जो है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है और यहाँ से ये एक्चुअल लेंथ एल है। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ, ये वाली चीज़ है। तो जब इसके पास यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला मीटर अपॉन मीटर है, तो ये एल नॉट और एल, एल और एल, तो ये जाएगा एल नॉट, तो डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो मेरे भाई जब इसके पास यूनिट ही नहीं है, यूनिट लेस है, यूनिट लेस है, यूनिट लेट क्वांटिटी, ऑलवेज डायमेंशनल लेस है, ऑलवेज डायमेंशनल लेस होता है, ऑलवेज डायमेंशनल, ऑलवेज डायमेंशनल लेस होता है, ए यूनिट लेस ऑलवेज डायमेंशनल लेस होता है, यूनिट लेस इज ऑलवेज डायमेंशनल, आई हैव ऑलवेज नेवर हैव नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब ए ऑप्शन से इसके पास कभी भी डायमेंशन हो ही नहीं सकता। सी और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।